हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हमारा चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन, राइट। बट मैं पहले बता दूं कि चैप्टर नंबर 1 है, नाम ही ऐसा है, इंट्रोडक्शन। हम किसी भी अननोन पर्सन को मिलते हैं, राइट, व्हेन वी मेट एनी अननोन पर्सन, तो हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है ना। तो ये चैप्टर में भी थोड़ा कुछ ऐसा है कि आपको शायद अनकंफर्ट फील हो, ये इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर। तो डोंट वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे का इकोनॉमिक्स बहुत ही मजेदार है। ओके, तो इसमें हम पढ़े थे इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड कुछ और टॉपिक्स हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेटा या इन्फॉर्मेशन, राइट। से फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक्स में हम ऐसा पढ़े 2011 में हमारे सेंसस के मुताबिक, सेंसस मतलब जो हमारा पॉपुलेशन काउंट करता है, सेंसस के मुताबिक हमारे देश में 121 करोड़ लोग थे, 121 सीआर पीपल, राइट। तो 2021 में कितना हुआ, राइट। तो हम काउंट करते हैं कि भाई एवरी ईयर पॉपुलेशन 2% के हिसाब से ग्रो हुआ, तो ये डेटा होता है, राइट। तो ये डेटा को प्रेजेंट करने के लिए तीन मेथड है, राइट। टॉपिक कर रहा है प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर डेटा, राइट, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर डेटा इन इकोनॉमिक्स। तो तीन तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं। नंबर 1 इज अ डिस्क्रिप्टिव मैनर, मार्केट में ऐसा होता है, अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड ज्यादा होती है, प्राइस बढ़ती है तो किसी चीज की डिमांड कम होती है, राइट। तो एक मिनट का डेटा, यहाँ पे एग्जाम्पल आप समझता हो इसलिए लेता हूँ कि प्राइस 5 रुपीज थी, 10 रुपीज थी, 15, 20, तो उसके हिसाब से उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या हुई, मैं आपको टेबल बना रहा हूँ, राइट। नंबर 2 बाय द वे ऑफ डेटा लेवल, उसमें यहाँ पे है प्राइस ऑफ कॉमोडिटी या प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, राइट। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, ये टेबल के दो हम है ना, टेबल बनाते ना, डायग्राम बनाते ना, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनाते ना, और एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो उस तरह से प्राइस ऑफ कमोडिटी इन रुपीज, राइट, 5, 10, 15 एंड 20। तो जब प्राइस 5 रुपए थे, तब डिमांड ऑफ प्रोडक्ट की क्या थी, यहाँ पे मैंने लिखा उस सच की प्राइस बढ़ी, सच प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम हुई, राइट, ओवर प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम हुई, और ओवर प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम हुई। मतलब जब प्राइस 5 रुपीज थी, तब उस प्रोडक्ट की डिमांड 60 यूनिट्स थी, राइट, 60 यूनिट्स, एंड जब प्राइस ज्यादा से ज्यादा 20 हो गई, तो देखो डिमांड कितनी 60 से 10 हो गई, तो ये हो गया टेबल मेथड। अब आपने इस तरह से टेबल देखे हो, है ना। तो इस तरीके से भी हम इकोनॉमिक्स में डेटा प्रेजेंट करते हैं। एंड नंबर 3 इज अ बाय द वे ऑफ ग्राफ्स या फिर डायग्राम। तो डायग्राम ना बहुत ही इजी होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे खंबा और यूज करता हूँ, उसे बार बोलते हैं एक्चुअली, बट मैं खंबा यूज करता हूँ कि कितना ऊपर है, राइट, तो हम बोलेंगे ये ज्यादा है, कितना डाउन है तो हम बोलेंगे कम है, क्योंकि वो एक पिक्चर हो जाता है ना, ड्रॉइंग हो जाता है, तो ड्रॉइंग के हिसाब से हमें पता चल जाता है कि ये कब ज्यादा था, कब डाउन था, लास्ट ईयर के कंपेयर में इस ईयर कैसा। आपने वो क्रिकेट मैच इसमें देखा होगा ना, फॉर एग्जाम्पल भारत ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट मैच चल रही है, तो 25 ओवर के बाद वो ग्राफ निकालते हैं कि 25 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया यहाँ था, ये ओवर में इसका डॉट था, मतलब कब विकेट गई, है ना, और इंडिया 25 ओवर के बाद यहाँ पहुंचा। तो ये ग्राफ बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि हम जो चीजों को देखते हैं ना, वो जल्दी याद रह जाता है। तो सबसे फेमस मेथड है इकोनॉमिक्स का डेटा प्रेजेंट करने की, वो है डायग्राम। मैं डायग्राम बनाता हूँ इसी टेबल के ऊपर से, डायग्राम बना लिया, ठीक है, इसी टेबल के ऊपर देखते हैं डायग्राम। तो डायग्राम बनाना है, सबसे पहले हमें दो एक्सिस ड्रा करेंगे, राइट, यहाँ पे एक्स जीरो जाकर बताएंगे, राइट। तो दोस्तों दो एक्सिस होते हैं, नीचे क्या आता है, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को ये सिखाता हूँ, नीचे क्या आता है, नीचे नीचे हमेशा आता है एक्स, राइट, नीचे हमेशा एक्स, एक्स
कौन हमेशा नीचे रखेंगे क्योंकि जी जी एसी राइट, और यहां पे हम रखेंगे y राइट। अब ये दोनों में से कौन सी चीज है x एक्सिस पे आएगी और कौन सी चीज है y एक्सिस, तो x एक्सिस पे आएगी डिमांड राइट, और यहां पे आएगी प्राइस। ओके प्राइस क्या है मैं लिखता हूं यहां पे 5 राइट, फिर 10, फिर 15, फिर 20। डिमांड भी क्या है 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। अब जब प्राइस 5 थी तब डिमांड कितनी थी 60, मतलब प्राइस जब यहां पे 5 थी तब डिमांड कितनी थी 60, तो मैं यहां पे नोट करूंगा राइट। जब प्राइस 10 थी तब डिमांड कितनी थी 40, मतलब जब प्राइस 10 थी तब डिमांड थी 40, तो मैं यहां पे नोट करूंगा राइट। जब प्राइस 15 थी तब डिमांड कितनी थी 20, मतलब यहां पे 15 यहां पे 20, तो यहां पे मैच हो जाएगा 15 और 20। ओके और जब प्राइस बढ़ के 20 हो जाती है तब डिमांड कितनी थी 10, मतलब यहां पे 10 डिमांड, यहां पे 20 प्राइस। अगर इसको डॉट को मैं इस तरह से कनेक्ट करूं तो ये बन जाता है डायग्राम। ओके और अब मुझे कुछ देखने की जरूरत है नहीं, मैं डायग्राम देख के बता सकता हूं कि जब कोई प्राइस हाई हुई है ना तब उसकी डिमांड कितनी थी यहां पे 60, जब प्राइस 20 थी तब उसकी डिमांड कितनी थी 10। ये देखो ये यहां पे कनेक्ट होता है इस तरह से है ना, ये यहां पे इस तरह से कनेक्ट होता है। तो डायग्राम इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा फेमस है, इससे हम डेटा इजीली लोगों को दिखा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके तो थैंक यू फॉर द डे, हैव अ नाइस।